नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपी पीसीएस का जो 24 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन में लोगों को डाउट्स भी है, क्योंकि आपत्ति आपको दाखिल करनी है, उसके लिए सिर्फ एक हफ्ते का टाइम मिला है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। करीबन 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप आपत्ति जरूर दाखिल कर सकते हैं, और उनको मानना भी पड़ेगा यूपी पीसीएस को। हम लोग प्रूफ दे देंगे उनको। एक क्वेश्चन को यूपी पीसीएस ने गलत कर दिया है। 83 क्वेश्चन है जो स्कीम का क्रोनोलॉजी पूछी थी ईयर वाइज। चलिए एक एक क्वेश्चन कर पे हम लोग देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन करके डिस्कशन करते हैं। ये देखिए, एक ये सी सेट है ये, और इसका मैंने आंसर की लिए, ये जो ऑफिशियल है। और इसमें एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, सभी क्वेश्चन मैंने चेक कर लिए हैं कि जो भी मैंने बताए थे, और प्लस जो आंसर की में आए, और प्लस जो चेंज हो सकते हैं वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें बुलक कैपलिस्ट वाला, ये वही वाला रहेगा, सी ही रहेगा जो मैंने बताया था। तो पहले वाले पेज में अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसी गलती नहीं है, पहले वाले जितने हमने बताए थे सब ठीक है। ठीक है, तो पहला वाला ठीक है। दूसरा वाला जो पेज है उसमें 12 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें इन्होंने आंसर दिया है ए, जबकि ज्यादातर सोर्सेज ने बताया था कि डी होना चाहिए, लेकिन अभी मैंने थोड़ा नेट पे और सर्च किया, मेरे हिसाब से ये ए वाला ठीक है इनका आंसर। क्योंकि अगर आप देखें तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश पीरियड एक्सेस ऑफ द स्पोर्ट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट काफी ज्यादा होते थे, मतलब एक जनरलाइज इन्होंने पूछा है, तो मेरे हिसाब से शायद इसमें नहीं चेंज करेंगे। ज्यादातर हम जो है रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, प्लस ये फूड का मटेरियल, और ज्यादातर इम्पोर्ट जो होता था वहां के फिनिश प्रोडक्ट होते थे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूछा गया है कि जनरली इंडिया हैड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो वो लगभग अगर आप ज्यादातर पार्ट में देखेंगे इंडिया के, प्री ब्रिटिश तो था ही, लेकिन जो ब्रिटिश रूल में भी ज्यादातर पार्ट में इंडिया फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में ही रहा, मैंने और भी दो तीन जगह से देखा, तो लगभग यही मिल रहा है। तो 12th वाले में मेरे हिसाब से तो शायद नहीं चेंज करेंगे, ये ए ही रहेगा इसका आंसर। फिर नंबर है 15 वाला, इसमें इन्होंने आंसर दिया है ए, ठीक है, जबकि इसमें कई सारे लोगों ने बताया था इंक्लूडिंग मी कि सी होना चाहिए, तो ये वाला गलत है, इसमें ए ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 12 हो गया, 15 हो गया, 17। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा डाउटफुल है, क्योंकि नेट पे एक्चुअली मिल नहीं रहा है कहीं है, और कौन सी बुक से इन्होंने लिया है। एक तो यूपी पीसीएस के लोग पता नहीं कहाँ से लोग पढ़ते हैं, कहीं से भी उठा के दे देते हैं, और ये लोग उसी को मान लेते हैं सोर्स। अगर देखा जाए तो इस पे आपत्ति दाखिल की जा सकती है मेरे हिसाब से। तो 17 वाला बी आंसर इन्होंने दिया है, जबकि ऐसा कोई वो नहीं था, जब्त तो सिस्टम था, तो 17 का सी होना चाहिए, तो इसमें एक आपत्ति आप कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कर सकते हैं। फिर अगर आप देखें इसमें, मतलब ये 17 वाला, ये जो है आप अकबर के शासनकाल में दक्कन में ये जब्त वाला सिस्टम पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद 26 वाला क्वेश्चन में दिक्कत है। अब देखिए ये क्वेश्चन गलत है एक्चुअली, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सन्यासी रिवोल्ट और कोल, ये दोनों ही नॉट करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि सन्यासी रिवोल्ट हुआ था 1770 के करीबन, और कोल अपराइजिंग हुई थी 1832, तो ये दोनों गलत है ना, सी और डी दोनों, लेकिन इन्होंने माना है सिर्फ डी। तो इसमें आप बिल्कुल आपत्ति दाखिल करिए, क्योंकि इसमें दो आंसर सही है, या तो सी और डी दोनों को दें, और या फिर ये क्वेश्चन काटें, इसमें आप लोग बिल्कुल आपत्ति करिएगा 26 नंबर पे। ठीक है, 26 कौन सा, ये वाला, कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये दोनों ही गलत है, ये सी और डी दोनों। ठीक है, तो 26 पे करना है आपको। 28 पे है जो इसमें, अब इसमें देखिए इन्होंने डी माना है ऑप्शन की, उपरोक्त सभी, लेकिन 28 में आपका डी माना गया है। 28 में बोला है कि किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, कि मेरे हिसाब से ये ए ही होना चाहिए, और ज्यादातर जो डच थे वो ये नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम में ही गए थे, और सूरत में तो नहीं था डच का कोई ऐसा। इसमें भी आपत्ति की जा सकती है 28 में मेरे हिसाब से। तो बाकी अगर आप आए और आगे आए, देखिए 42nd जो क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, यानी कि डीपेस्ट पोर्ट पूछा है यहाँ पे, डीपेस्ट पोर्ट इंडिया का पूछा है, और इन्होंने आंसर दिया है पैरादीप। तो ये वाला मैंने थोड़ा देखा है, वैसे तो विशाखापत्तनम डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट होता है, और चेन्नई कई जगह सोर्सेज में दिया हुआ है आंसर, पर
42 में भी कर सकते हैं, 42 के लिए, लेकिन एक पूरे एकदम साक्षी नहीं मिल पा रहे हैं, अगर मिलते हैं तो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन 42 में भी कर सकते हैं आप लोग अगर कुछ साक्षी ढूंढने इसके। 42 में मेरे हिसाब से तो गलत है ये आंसर। फिर आंसर पे आते हैं 44। अब ये वाला सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लोहा और इस्पात कारखानों में से कौन सा कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। अब बताइए दुर्गापुर कैसे नहीं है, दुर्गापुर के आसपास तो कितना सारा रॉ मटेरियल है। ये तो बिल्कुल गलत क्वेश्चन है ये, 44 वाला तो सी हो ही नहीं सकता है, आंसर तो इसका डी ही होगा, तो इस पे बिल्कुल आप आपत्ति करिएगा। फिर आएगा, फिर नंबर आएगा 56 का। 56 क्वेश्चन क्या है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स विल नॉट फील एनी पेन और बीइंग प्रिक्ड बाय अ नीडल, मतलब सुई से चुभ होने पर किस अंग में दर्द नहीं होता है। इन्होंने आंसर दिया है कि आप 56 का बी, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, जबकि ज्यादातर सोर्सेज में हृदय ही लिखा हुआ है, तो इसमें भी आप आपत्ति कर सकते हैं अगर चाहें तो। फिर आएगा 69, ये वाले क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आपत्ति नहीं करिएगा, क्योंकि मैंने भी देखा है ये डॉल्फिन नहीं है इसका, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स बॉडी साइज, ये आंटी है ये, ठीक है, तो ये वाला आंसर इन्होंने सही दिया है, बिल्कुल सही है ये। फिर आएगा 77, 77 क्वेश्चन है, इसका आंसर है ये बी दिया है इन्होंने। अब देखिए इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1993 में करीबन 16.5 मिलियन डेथ हुई है इन्फेक्शियस डिसीज की वजह से, और इसका रीजन है अर्बनाइजेशन विदाउट हेल्थ प्लानिंग। इसका मेरे हिसाब से तो ए ही होना चाहिए, इन्होंने ए को और आर को ट्रू माना है, लेकिन इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं माना है। हालांकि इसमें ये वन ऑफ द फैक्टर्स जरूर है अर्बनाइजेशन, तो मेरे हिसाब से तो मानना चाहिए था, इसमें भी आपत्ति आप कर सकते हैं बिल्कुल 77 वाले में। फिर 80 क्वेश्चन है, ये वाला सही है, देखिए इसमें मैंने भी देखा है तो इसमें आपत्ति नहीं करिएगा, मतलब 1 2 3 दो तीनों ही है ये, देखिए तीनों फैक्टर्स इसमें काम करते हैं, स्मॉल जो एंटीना साइज है इसका भी काम कर रहा है। वैसे तो ये ज्यादातर सोर्सेज में 2 और 3 माना गया था, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो थोड़ा सा और एक बार होता है ना कि बहुत सारे व्यू लेने पड़ते हैं, तो अगर आप मल्टी फेसेटेड व्यू लेंगे तो जो टेलीविजन दर्शक है इसमें एंटीना छोटे होते हैं, ये भी एक रीजन है, तो 80 का डी है इसमें आंसर, मेरे हिसाब से वो मानेंगे नहीं ये लोग, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं आपत्ति बिल्कुल। 83 वाला देखिए इन्होंने बोल दिया गलत है, ये क्वेश्चन गलत था एक्चुअली, ये मैंने आपको बताया था, देखिए पहले ही बता दिया था मैंने आपको कि ये क्वेश्चन होगा गलत, जब मैंने एनालिसिस की थी साफ साफ बताया था सबकी डेट लिख के, तो ये क्वेश्चन गलत मान लिया इन्होंने बिल्कुल। फिर उसके बाद 91 को गलत, 91 वाले क्वेश्चन पे डाउट है, 91 पे डाउट ये है कि देखिए 91 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज रैंक्ड इकोनॉमिकली एट द टॉप बट लोवेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 6 रेशियो, तो वैसे तो इसका आंसर डी माना गया है, महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में था ये, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट करेंगे तो मेरे हिसाब से तो ठीक लग रहा है ये मुझे, क्योंकि इसमें आपको बेसिक जो चीज देखनी है वो लोवेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 6 रेशियो, इसको जरूर ध्यान रखना है, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है इसमें। 98 क्वेश्चन में फिर कंफ्यूजन है, 98 में विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर आईसीडीएस स्कीम, अब देखिए इसमें CO2 दोनों होना चाहिए, लेकिन इन्होंने आंसर क्या माना है सी, और ये आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो CO2 दोनों हो सकता है, तो मेरे हिसाब से इस पे आपत्ति कर सकते हैं आप 98 वाले पे, उसके बाद तो सब ठीक है। फिर आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है 138 वाले पे, बायोडाइवर्सिटी हैज मैक्सिमम डेंजर, अब देखिए इसमें क्लाइमेट चेंज तो होना ही चाहिए, मतलब इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है, इन्होंने ए पता नहीं कैसे माना है इसमें, जबकि इसमें ए और सी दोनों हो सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल आपत्ति आप करिएगा। 139 में आपको इसमें माना है बी, ये वाला मेरे हिसाब से शायद चेंज नहीं करेंगे, इंक्रीजिंग सोलर फेयर्स 139 में अगर आप देखें तो इसमें बी माना है, मैंने भी आपको बी ही बताया था, तो इसमें मेरे हिसाब से नहीं चक्कर चेंज करेंगे ये। 43 में फिर एक लास्ट में है कंफ्यूजन, 143 वाला जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया, ये बिल्कुल सही है, ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से लिया गया है, मैंने बी बता दिया था उस टाइम, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन ये बिल्कुल सही आंसर है, इस पे भी आपत्ति नहीं लेंगे, तो करीबन 8-9 क्वेश्चन है जिसपे आप आपत्ति कर सकते हैं, एक क्वेश्चन तो इन्होंने गलत मान ही लिया है, तो यानी कि अब हो गए कितने आपके 149 में से कट ऑफ बनेगा, तो अगर आप देखें तो लोगों के अब क्वेश्चन पहले जितने सही हो रहे थे
ज्यादातर एवरेज निकाला गया तो करीबन 5 से 6 क्वेश्चन सबके गलत हुए हैं, मतलब पहले से घटे हैं। तो कट ऑफ भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा जरूर घटेगा, लेकिन किसी भी कीमत पे जनरल का कट ऑफ मेरे हिसाब से, जो मेरा बिल्कुल इंडिविजुअल पर्सनल ओपिनियन है, कोई इसमें मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर नहीं है कि ऐसा हो ही सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जनरल का कट ऑफ अब, क्योंकि थोड़ी सी सीटें भी बढ़ी हैं और थोड़ी और बढ़ने की उम्मीद है, अगर थोड़ी और भी बढ़ गई फिर भी किसी भी कीमत पे जनरल का कट ऑफ जो है वो करीबन 102 क्वेश्चन से कम नहीं जाएगा, मिनिमम इतना तो जाएगा ही, क्योंकि यूपी है ये, यूपी में हमेशा कट ऑफ ज्यादा ही जाता है, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। 102 क्वेश्चन का मतलब हो गया 102 इंटू आप 4/3 कर दो, तो यानी कि 408/3, यानी कि 130 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए, 130 के आसपास, ठीक है। दो क्वेश्चन मतलब मैं कह रहा हूं तो करीबन आपका मान लीजिए 135 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए, या फिर अभी थोड़ा और पोस्ट बढ़ेगी तो 130 नंबर से नीचे तो मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा। जनरल का कट ऑफ तो यही रहना चाहिए। जो गर्ल्स का कट ऑफ है, गर्ल्स का एससी से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो एससी अगर 102 क्वेश्चन मान लीजिए आप जनरल के जाएंगे तो ओबीसी का जाएगा करीबन 101 क्वेश्चन, ओबीसी में इतना डिफरेंस नहीं रहता है, और एससी एसटी का जाएगा, एससी का करीबन जाना चाहिए 90 क्वेश्चन के आसपास, 88 से लेके 90 तक, और गर्ल्स का भी एक, गर्ल्स का थोड़ा बहुत 80 से ज्यादा होता है, तो गर्ल्स जो भी हैं उन जिनके भी 90 प्लस आ रहे हैं मेरे हिसाब से तैयारी आप बिल्कुल करिए, और जनरल में जिसके भी अगर 100 प्लस आ रहे हैं फिर तो पक्की बात है, लेकिन अभी अगर थोड़ी और सीट बढ़ेंगी, क्योंकि अभी सीट पड़ने वाले और चांसेस और हैं, बीडीओ वाली सीट शायद बढ़ सकती हैं और प्लस कुछ और सीट से बढ़ सकती हैं, तो कट ऑफ कम हो सकता है, तब तो शायद 95 तक जो क्वेश्चन किए होंगे उनका भी शायद सही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर भी जनरल का कट ऑफ अगर अभी की स्टेटस में देखें तो करीबन 100 या 100 102 क्वेश्चन के आसपास होना चाहिए, प्लस 130 या करीबन 135 36 के आसपास जाना चाहिए, 130 से लेके मैं इतनी रेंज दे रहा हूँ आपको, मतलब मेरा जो रेंज है वो यही है 132 के करीबन, ठीक है, प्लस माइनस 5 कर लो आप। और गर्ल्स का मैंने बता दिया 90 क्वेश्चन जिसके अभी सही हैं, लेकिन अगर थोड़ी सीटें और बढ़ गई तो थोड़ा कट ऑफ और गिरेगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये है इसमें रेंज, और हर बार यूपीपीसीएस में ऐसा तो होता ही है कि एक दो क्वेश्चन तो गलत निकलते हैं, लेकिन फिर भी कट ऑफ इतना कम नहीं जाता है। तो ये है मेरी पूरी एनालिसिस, बाकी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा कमेंट करके, किसी भी क्वेश्चन का अगर सोर्स नहीं मिल रहा हो तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, अगर मेरी हेल्प कर पाऊंगा मैं तो मैं जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।